राम राम जी। आज हम बात करने वाले हैं हाउसफुल फोर मूवी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट की। मूवी के लीड रोल में हैं अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, क्यूती खरबंदा और कृति सनन। इसके अलावा कुछ स्टार हैं जिनके बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बात करें बहनों के ऊपर, तीन भाई जैसे कि आप जानते हैं लीड कैरेक्टर हैं अक्षय कुमार, बॉबी देओल और रितेश देशमुख, और तीनों एक्ट्रेसेस हैं, वो तीनों बहनें हैं। तो 2019 में इनकी शादी एक दूसरे से होने वाली होती है। यहाँ अक्षय कुमार की शादी होने वाली होती है पूजा हेगड़े से, बॉबी देओल की शादी होने वाली है कृति सनन से, और रितेश देशमुख की शादी होने वाली है कृति खरबंदा से। तो ये जो चीज़ है ये है 2019 की। इसके बाद तय होता है कि ये सितमगढ़ जाकर शादी करेंगे, और जब वो वहाँ जाते हैं तब अक्षय कुमार को वहाँ जाकर अपने पुनर्जन्म की चीज़ें याद आने लगती हैं, और फिर उसे याद आता है कि उसकी शादी पिछले जन्म में कृति सनन से होने वाली थी, ना कि पूजा हेगड़े से, जो कि इस जन्म में उसकी भाभी बनने वाली है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वो अपनी ये सारी बातें अपने भाइयों को और उन तीनों लड़कियों को भी बताता है, जो कि 2019 में उसकी भाभियाँ बनने वाली हैं। तो लड़कियाँ और वो उसकी बात नहीं सुनते हैं, और इसी कन्फ्यूज़न को पूरी पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह 600 साल पहले इन्होंने ये एक दूसरे से मिले थे, और किस तरह इनकी लव स्टोरी शुरू हुई, और किस तरह इनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई, जो कि 2019 में ये पूरी करना चाहते थे। मूवी की स्टोरी इस पर बेस्ड है। लेकिन अगर बात की जाए कि कॉमेडी मूवी के मुताबिक, मुझे ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें उस लेवल का कॉमेडी नहीं था, क्योंकि अक्षय कुमार और रितेश देशमुख खुद एक इतने अच्छे कॉमेडियंस हैं। जॉनी लीवर जी हैं जो टॉप के कॉमेडियन कहे जाते हैं। उसके बाद जाके मूवी देखें, क्योंकि अगर आपको देखनी है तो कभी ना कभी टीवी पे आ ही जाएगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप अपनी पैसे, टाइम और त्यौहार, जो कि कह सकते हैं कि अब दिवाली है तो आप अपना घर या परिवार छोड़ के इस मूवी में टाइम 2 घंटे अपने बिल्कुल वेस्ट ना करें। तो प्लीज़, मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ये मूवी देखने जाएँ, क्योंकि मूवी जनरली अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी वेब सीरीज़ देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपका त्यौहार है, आपका टाइम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से एक बार हैप्पी दिवाली एंड बाय बाय।